न्यायों की पुस्तक अध्याय आठ, न्यायों की पुस्तक अध्याय आठ। तब एप्रेमी पुरुषों ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिद्यान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया। सो उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है? क्या एप्रेम की छोड़ी हुई दाख भी अबीएजर की सब फसल से अच्छी नहीं है? तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने ओरेब और जेब नाम मिद्यान के हाकिमों को कर दिया, तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका? जब उसने यह बात कही तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। तब गिदोन और उसके संग 300 पुरुष जो थके मांदे थे तो भी खदेड़ते ही रहे, यर्दन के तीर आकर पार हो गए। तब उसने सुक्कोत के लोगों से कहा, मेरे पीछे इन आने वालों को रोटियां दो, क्योंकि वे थके मांदे हैं, और मैं मिद्यान के जेबह और सलमुन्ना नाम राजाओं का पीछा कर रहा हूं। सुक्कोत के हाकिमों ने उत्तर दिया, क्या जेबह और सलमुन्ना तेरे हाथ में पड़ चुके हैं कि हम तेरी सेना को रोटी दे? गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेबह और सलमुन्ना को मेरे हाथ में कर देगा तब मैं इस बात के कारण तुमको जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ों से नचवाऊंगा। वहां से वह पनुएल को गया और वहां के लोगों से भी ऐसी ही बात कही, और पनुएल के लोगों ने सुक्कोत के लोगों का सा उत्तर दिया। उसने पनुएल के लोगों से कहा, जब मैं कुशल से लौट आऊंगा तब इस गुम्मट को ढा दूंगा। जेबह और सलमुन्ना तो करकोर में थे और उनके साथ कोई 15,000 पुरुषों की सेना थी, क्योंकि पूर्वियों की सारी सेना में से उतने ही रह गए थे, और जो मारे गए थे वे 1,20,000 हथियार बंद थे। तब गिदोन ने नोबह और युगबाहा के पूर्व की ओर डेरों में रहने वालों के मार्ग से चढ़कर उस सेना को जो निडर पड़ी थी मार लिया, और जब जेबह और सलमुन्ना भागे तब उसने उनका पीछा करके मिद्यानियों के उन दोनों राजाओं को अर्थात जेबह और सलमुन्ना को पकड़ लिया और सारी सेना को भगा दिया। और योआश का पुत्र गिदोन हेरेस नाम चढ़ाई पर से लड़ाई से लौटा और सुक्कोत के एक जवान पुरुष को पकड़कर उससे पूछा, और उसने सुक्कोत के 77 हाकिमों और वृद्ध लोगों के पते लिखवाए। तब वह सुक्कोत के मनुष्यों के पास जाकर कहने लगा, जेबह और सलमुन्ना को देखो जिनके विषय में तुमने यह कहकर मुझे चिढ़ाया था कि क्या जेबह और सलमुन्ना अभी तेरे हाथ में है कि हम तेरे थके मांदे जनों को रोटी दे? तब उसने उस नगर के वृद्ध लोगों को पकड़ा और जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ लेकर सुक्कोत के पुरुषों को कुछ सिखाया, और उसने पनुएल के गुम्मटों को ढा दिया और उस नगर के मनुष्यों को घात किया। फिर उसने जेबह और सलमुन्ना से पूछा, जो मनुष्य तुमने ताबोर पर घात किए थे वे कैसे थे? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा तू वैसे ही वे भी थे, अर्थात एक एक का रूप राजकुमार का सा था। उसने कहा, वे तो मेरे भाई बरन मेरे सहोदर भाई थे, यहोवा के जीवन की शपथ, यदि तुमने उनको जीवित छोड़ा होता तो मैं तुमको घात न करता। तब उसने अपने जेठे पुत्र यतेर से कहा, उठकर इन्हें घात कर। परंतु जवान ने अपनी तलवार न खींची, क्योंकि वह उस समय तक लड़का ही था, इसलिए वह डर गया। तब जेबह और सलमुन्ना ने कहा, तू उठकर हम पर प्रहार कर, क्योंकि जैसा पुरुष हो वैसा ही उसका पौरुष भी होगा। तब गिदोन ने उठकर जेबह और सलमुन्ना को घात किया और उनके ऊंटों के गलों के चंद्रहारों को ले लिया। तब इस्राएल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है।
गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। फिर गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूं, अर्थात तुम मुझको अपनी लूट में की बालियां दो। वे तो इश्माइली थे, इस कारण उनकी बालियां सोने की थी। उन्होंने कहा, निश्चय हम देंगे। तब उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसमें अपनी लूट में से निकालकर बालियां डाल दी। जो सोने की बालियां उसने मांग ली, उनका तौल 1,700 शेकेल हुआ, और उनको छोड़ चंद्रहार, झुमके और बैंगनी रंग के वस्त्र जो मिद्यानियों के राजा पहने थे, और उनके ऊंटों के गलों की जंजीर। उनका गिदोन ने एक एपोद बनवाकर अपने ओपरा नाम नगर में रखा, और सब इसराइल वहां व्यभिचारिणी की नाई उसके पीछे हो लिया, और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। इस प्रकार मिद्यान इसराइलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया, और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। योआश का पुत्र यरूब्बाल तो जाकर अपने घर में रहने लगा, और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए, क्योंकि उसके बहुत स्त्रियां थी, और उसकी जो एक रखेली शकेम में रहती थी उसके एक पुत्र हुआ, जो गिदोन ने उसका नाम अबीमलेख रखा। निदान योआश का पुत्र गिदोन पूरे बुढ़ापे में मर गया, और अबीएज़रियों के ओपरा नाम गांव में उसके पिता योआश की कब्र में उसको मिट्टी दी गई। गिदोन के मरते ही इसराइली फिर गए और व्यभिचारिणी की नाई बाल देवताओं के पीछे हो लिए, और बाल बरित को अपना देवता मान लिया, और इसराइलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उसको चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ाया था, स्मरण न रखा, और न उन्होंने यरूब्बाल अर्थात गिदोन की सारी भलाई के अनुसार जो उसने इसराइलियों के साथ की थी उसके घराने को प्रीति दिखाई।